अ वेरी वार्म वेलकम टू द इंजीनियरिंग बड़ी चैनल। सो आज का वीडियो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर साइंस पार्ट वन एंड पार्ट टू। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझेंगे चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पेपर वन एंड पेपर टू। सो इन पेपर वन वी टोटल हैव फोर चैप्टर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर 22 मार्क्स, डेटा स्ट्रक्चर फॉर 17 मार्क्स, C++ फॉर 41 मार्क्स एंड HTML फॉर 14 मार्क्स। इन पेपर टू वी हैव फाइव चैप्टर्स, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोप्रोसेसर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085 फॉर 21 मार्क्स, इंट्रोडक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग ऑफ 8085 फॉर 43 मार्क्स, इंट्रोडक्शन टू इंटेल x86 फैमिली फॉर 4 मार्क्स, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंट्रोलर फॉर 8 मार्क्स एंड द लास्ट चैप्टर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी फॉर 18 मार्क्स। सो बेसिकली दिस इज द रिडक्शन ऑफ सिलेबस फॉर द एकेडमिक ईयर 2020 टू 2021। सो लेट्स मूव अहेड। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो दीज आर सम ऑफ द MCQs विच आई हैव लिस्टेड हियर, अराउंड 30 MCQs है, तो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। उसके बाद आता है 3 मार्क्स क्वेश्चन। सो 3 मार्क्स क्वेश्चन में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस है, तो आप इसको गो थ्रू करो। और इसके बाद 4 मार्क्स क्वेश्चन है, लाइक वॉट इज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, वॉट इज अ प्रोसेस मैनेजमेंट, ऐसे कई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट क्या है वो मैंने ऑलरेडी साइड मार्किंग स्कीम लिखा है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे कि वॉट इज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, तो साइड में दिया है कि अबाउट 1 IM इज फॉर 2 मार्क्स, एनी 4 कॉल्स फॉर 0.5 मार्क ईच। सो प्लीज़ वो गाइडलाइंस भी आप फॉलो करो। सो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर डेटा स्ट्रक्चर। MCQs काफ़ी ईजी है, तो MCQs के मार्क्स आपको ईजिली मिल सकते हैं। सो आप MCQs थरोली करो, जो कि है 1 मार्क फॉर ईच MCQ। इसके बाद है 3 मार्क क्वेश्चंस। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, व्हाट इज एन एरे, व्हाट इज अ रिकॉर्ड, व्हाट इज अ लिंक्डइन लिस्ट, व्हाट इज अ एडवांटेजेस ऑफ एरे, हाउ लिंक्ड लिस्ट्स आर रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी, ऐसे कई क्वेश्चंस है। उसके बाद है 4 मार्क्स क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे, जिधर है व्हाट इज इंसर्टिंग, व्हाट इज डिलीटिंग एक्सेट्रा, ऑल दिस क्वेश्चंस आप रेफर कर सकते हो। इसके बाद हम मूव करेंगे थर्ड चैप्टर के ऊपर, इसका नाम है C++। सो इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि MCQs तो आप कर ही लोगे। उसके बाद है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक चार्ट डायग्राम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन C++, शॉर्ट नोट आ सकता है डिफरेंट ऑपरेटर्स के ऊपर। उसके बाद व्हाट आर एरेज इन C++, पॉइंटर्स क्या है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ऑल दिस कैन बिकम फॉर शॉर्ट नोट्स, एक्सप्लेन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस, ऐसे कई क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। इसके बाद 4 मार्क क्वेश्चन में आपको आ सकते हैं कि व्हाट आर द कंस्ट्रक्टर्स, गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस क्या होता है, ऑपरेटर लाइक ओवरलोडिंग, व्हाट इज ओवरलोडिंग, एनी 4 कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड अ शॉर्ट नोट ऑन वेरियस फंक्शंस लाइक पुट, गेट, राइट, रीड एक्सेट्रा। सो ऑल दिस क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। So the next chapter we'll go to, that is chapter number 4, HTML. So MCQs आप कर ही लोगे। So important questions for 3 marks are short note on HTML web page and basically explain the use of each tag, like small का क्या use है, IT का क्या use है। So various tags दे रहेंगे, उसका use आपको पूछे जा सकते हैं along with an example, which is very common and important in board exam. So this you have to do very thoroughly. So moving to the 5 mark questions, various programs का output आपको पूछा जा सकता है। So programs आप thoroughly करो। So next we'll move to paper 2. This is the omitted syllabus for academic 2020 to 2021 year. So let's start. So starting with the first chapter, which is introduction to microprocessor and organization of 8085. So MCQs you can do on your own. So these are the some of the important questions which are listed for 3 and 4 marks, which you can easily see. So we'll move on to the second chapter directly. So next is the instruction set in programming of 8085. So almost this chapter has 20 to 25 MCQs which you can do, and some are the questions important for your board exam, the actual military functions and the
So here are some of the 3-mark questions and 4-mark questions which you can prepare for your board exam. So you can just आपकी book लीजिए और ये सारे questions आप आपके book में mark कर सकते हो ताकि आपको पढ़ने के time मालूम पड़े कि कौन से important questions है. So moving ahead to the chapter number 3. So important questions इसमें total 15 है. Like list of advanced microprocessor, main function of Pentium processor. Pentium processor is very important from board point of view. So आप वो thoroughly करो. Then we have other questions like compare any 4 attributes, distinguish या फिर आप comparison is also very important from this chapter. So moving on to the 4th chapter, that is introduction to microcontroller. So important questions like any 2 features of microcontroller of 8049, 8052, 8031 can be asked in exam. Important features of 8051 microcontroller, memory register mapping of 8051 can be asked for 3 marks. Then in 4 mark question, you may be asked 2 questions like what is a microcontroller, state its advantages, compare 8051 and 8052. So comparison and distinguish can be also asked in your examination. So please do it thoroughly. Moving on to the next chapter, that is networking technology. So MCQs, please read properly and carefully. So here are some of the 3-mark and 4-mark questions which are represented in front of you. So you can just simultaneously mark in your book. So moving ahead, that's it. So please prepare all the important questions for the board exam and all the best. Hope you score well. And those who are planning to do engineering, we are also going to help you in your engineering admission procedure, also in MHT CET examination. So please subscribe to the channel so that you get the latest updates from us, and also join the WhatsApp group. Also mujhe pata hai ki जो क्वालिटी था आज वीडियो का वो थोड़ा ब्लर है, तो मैंने ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप प्लीज़ उसे रेफर कीजिए. सो दैट्स इट, थैंक यू.